नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल यादव में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ IIBF के बारे में। IIBF के सर्टिफिकेट आप लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सो किस तरह से उसको एग्जाम देना है, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, इसका पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। IIBF आप किसी भी बैंक लेना चाहते हैं, जैसे CSP बैंक लेना चाहते हैं, मिनी ब्रांच बैंक लेना चाहते हैं, तो उसमें IIBF का सर्टिफिकेट लगता है। सबसे पहले IIBF का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको। तो IIBF को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको एग्जाम देना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। कितना इसमें फ़ी लगने वाला है ये भी कंप्लीट दिखाऊंगा इसमें। आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें कौन सा कितना आपको फ़ोटो लगेगा, आपको कैसे एग्ज़ाम देने जाना है, कैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ CSE अपना लॉगिन कर लेंगे, CSE ID लॉगिन करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे एग्जाम, और यहाँ दिखा रहा है एग्जाम फी, इस पर क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर आ रहा है एग्जाम फी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF का सर्टिफिकेट यहाँ लेने के लिए, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई करेंगे। इस तरह से फॉर्म इसमें फिलअप करने के लिए आएगा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर डालेंगे अपना नेम, डालेंगे सेलेक्ट करेंगे यहाँ मिस्टर या मिसेस क्या डालना है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे मैं दिखाया था आपको, यहाँ पर एड्रेस फिलअप करेंगे। सबसे पहला लाइन पर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर विलेज डालेंगे, सेकेंड लाइन पर यहाँ पोस्ट ऑफिस डालेंगे, और थर्ड लाइन पर यहाँ पुलिस स्टेशन डालेंगे। उसके बाद से यहाँ नियर बाई कुछ है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ सिटी डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद से यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ है वो मंथ से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से ईयर डालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ईयर दिखा रहा है कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है, वो भी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मेल और फीमेल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं या खुद से अपना अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ से पूछ रहा है क्वालिफिकेशन, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि टेंथ किए हैं या ट्वेल्थ किए हैं तो अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट किए हैं या ट्वेल्थ या टेंथ पास किए हैं तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हाई स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि टेंथ क्लास और इंटरमीडिएट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और ग्रेजुएट आप किए हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप कौन से ग्रेजुएट किए हैं, तो आप कौन से विषय से किए, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऐसे किससे आप पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से अपने नीचे एक ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से पूछ रहा है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर को छोड़ देंगे अगर आपके पास कोई PCO नहीं है, PCO तो आजकल चल नहीं रहा है, इसलिए फ़ोन नंबर को छोड़ देंगे। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो आप यह फ़ोटो रखे हैं यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और एक अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ फोटो का साइज़ दिखा रहा है, फोटो का साइज़ मिनिमम 20 KB का होना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस पर भी चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आपने सिग्नेचर रखे हैं सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर देख सकते हैं अपलोडेड JPG में फाइल में अपलोड करना है ऑनली। इसके बाद नीचे आएंगे सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, तीनों में से कोई अपलोड करना है। जैसे कि पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और अपना एक पैन कार्ड अब रखे हैं वहाँ पैन कार्ड स्कैन किए हैं, पैन कार्ड इस तरह से आप अपलोड कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से मीडियम चूज करेंगे, कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में देना चाहते हैं अंग्रेजी में, देख सकते हैं कितने भाषा दे रहा है, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से सेंटर का चूज करेंगे कौन सा सेंटर है, तो आप जिस भी जहाँ भी आपको नज़दीक है वहाँ पर सेंटर का यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद नीचे अपने आप दिखाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटर दिखा रहा है, तो कौन से सेंटर में आपको नज़दीक है यहाँ पे इस पर क्लिक कर्सर लाएंगे, तो यहाँ नीचे आपको एड्रेस भी शो कर रहा है, इस तरह से आप एड्रेस सभी का देख लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से एड्रेस दिखाएगा, जो भी आपके नज़दीक में है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से डेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देख सकते हैं इस तरह से डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम दे रहा है,
कौन से टाइम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ के सीट अवेलेबल कितना है, तो 10 सीट अवेलेबल है। सेंटर कोड ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से जो कैप्चर दे रहा है कैप्चर को फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू एंड प्रोसेस पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको जितना भी फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेंगे कोई डिटेल आपको सही है गलत है, यहाँ पे चेक कर लेंगे। गलत होगा तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से पूरा आप इसमें चेक कर लेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें कितना आपको पेमेंट करने वाला है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। 800 रुपीज़ फीस है और उसके बाद GST लगने वाला है। इसमें एग्जाम पीरियड यहाँ पर दिखा रहा है मई 2020। देख सकते हैं यहाँ से सेंटर का नाम यहाँ पर दिखा रहा है, सब कुछ आप दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। डायरेक्ट आप CSC पोर्टल पे आएंगे, यहाँ से देख सकते हैं वो कितना पेमेंट यहाँ पे कट रहे हैं वाला अकाउंट से, तो उतना आप अमाउंट पहले से ही ऐड करके रखेंगे इसमें। उसके बाद से अपना इसमें CSC ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे इसमें। इसके बाद से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे MPIN डालेंगे अपना CSC का। उसके बाद से यहाँ से पे करेंगे, 956.60 रुपये यहाँ पर कटने वाला है। तो यहाँ पर प्रोसेस पे पे पर क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट से इतना पेमेंट कट जाएगा और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसमें प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस होने देंगे। पेमेंट यहाँ सिक्योर दिखा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से दिखा रहा है थैंक यू फॉर योर यूजिंग IIBF ऑनलाइन सर्विस, रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन डिटेल्स, रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल आएगा। इस बार देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ से पासवर्ड आपको शो कर रहा है। इसी पासवर्ड के माध्यम से आप इसमें लॉग इन करके अपना इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे मैं दोस्तों इसमें दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको इसमें लॉग इन करना है। सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं आपकी ID यहाँ पे शो कर रहा है और ये पासवर्ड दोनों को यहाँ से कॉपी करके रख लेंगे। इतना आ जाने के बाद यहाँ से लॉगआउट पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं और यहाँ से दिखा रहा है आपको कैसे यहाँ से लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद कैप्चा डालेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं देख सकते हैं आपको इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दिखाएगा इस तरह से यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से एग्ज़ाम अप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको पेमेंट किया दिखा रहा है। ऊपर से डाउनलोड एडमिट लेटर, इस पर क्लिक करेंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर क्लिक करेंगे एडमिट लेटर यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपको इस तरह से आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एडमिट कार्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर सेव फॉर PDF पर क्लिक करके यहाँ से आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपको डाउनलोड हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, यहाँ पर एड्रेस आपका दिखा रहा है और यहाँ से देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ से किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देने वाले वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। किस तारीख को आपको डेट है ये भी शो कर रहा है और टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है कितना टाइमिंग में आपको जाना है। यहाँ पे आपको कोड दिखा रहा है, यहाँ पे सीट नंबर दिखा रहा है, एक नंबर सीट पर आपको एग्ज़ाम है और यहाँ पर कहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ पर सेंटर का यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है। इस एड्रेस पर आपको जा सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिखा रहा है सेंटर पर, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे दिखा रहा है आपको एग्ज़ाम पासवर्ड, यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाने के टाइम में यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा सिस्टम पे और आपका एग्ज़ाम वहाँ पे होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम पासवर्ड भी दिख रहा है जिसको आप प्रिंट करके ले जाइए ज़रूर साथ में। तो दोस्तों इस तरह से आप IIBF का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल आपको क्लिक करना है। तो ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो किए हैं यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसका भी इनवॉइस आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन का। इसके बाद यहाँ से पेमेंट ट्रांजेक्शन क्वारी दिखा रहा है, ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मेम्बर नंबर डाल के। इस तरह से आप सर्च करते हैं, यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आप इसमें अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। करंट पासवर्ड जो भी आपके यहाँ पे है वो करंट पासवर्ड यहाँ डालेंगे और ऊपर से नया पासवर्ड आप जो भी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज रहेगा। देख सकते हैं सर यहाँ पर फेल हो गया, पासवर्ड यहाँ मैच नहीं किया। फिर से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि इस तरह से इसको पासवर्ड को नहीं करना है। जो सबसे पहले जो करंट पासवर्ड है वो करंट पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद एक नया पासवर्ड इसमें डालेंगे, फिर से दोबारा वही पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड ऊपर डाले हैं। अतः सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे इस तरह से पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया, आपका पासवर्ड इस तरह से चेंज हो गया। यहाँ से लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो आसानी से लॉगआउट कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी इसमें दिया गया आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। आपका नाम दिखा रहा है, आपको जो दिख रहा है, अगर आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो इसी में आपको आएगा डाउनलोड करने के लिए, आपका सर्टिफिकेट इसमें आता है, सर्टिफिकेट इसमें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं बताऊंगा कैसे सर्टिफिकेट इसमें डाउनलोड करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। चाहे दोस्तों फिर नए वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।